everyone, what is church thesis? So church thesis is actually, it is according to Alan Church, that how powerful and Turing machine. And according to him, he said that no machine is powerful than Turing machine. Until now, we are not able to prove that this statement is incorrect, right? So let's see. And the question under this thesis, under this statement, is a kind of myth. We can say that how powerful are Turing machine? Turing machine kitna zyada powerful hai? ठीक है. सो अगर किसी चीज के लिए मेरे पास कोई भी एल्गोरिथम है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ, दैट कैन बी इजीली ट्रांसलेटेड इनटू ट्यूरिंग मशीन. उसको हम ट्यूरिंग मशीन में भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. एंड जिस तरीके से हम कहते हैं कि हम कोई भी एल्गोरिथम या प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और वैसे वैसे ही प्रोसेसिंग करता है. हम कभी ये नहीं कहते कि हाँ, जो कंप्यूटर कर रहा है वो एक्चुअली सी प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम उस चीज को फॉलो करता है. द ऑपोजिट इज नॉट ट्रू. इट इज ऑलवेज लाइक कि हमने कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा था, अगर उसको हम कंप्यूटर को देते हैं करने के लिए तो वो उसको फॉलो करता है. सिमिलरली अगर मैं कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखूं, तो ट्यूरिंग मशीन भी उस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसको हम ट्यूरिंग मशीन के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज एंड द क्वेश्चन, दिस इज द चर्च थीसिस. एंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, उस क्वेश्चन को आंसर किया गया कि वी डोंट थिंक सो. ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं सोचते कि हाँ हमारा जो ट्यूरिंग मशीन है वो पावरफुल नहीं है. बट येस, वी कैन नॉट डिफाइन इट. हमारे पास ऐसी कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है जिससे ये प्रूव किया जा सके कि ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल पार्ट. ठीक है. बट अगर हम लास्ट में ये बोले कि हाँ, कोई भी अगर मेरे पास एल्गोरिथम दिया है किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को अगर डिसाइड किया जा सकता है, उसका सोल्यूशन है एल्गोरिथम के थ्रू, तो वो ट्यूरिंग मशीन के थ्रू भी बनाया जा सकता है. उसके लिए हम ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन इज नॉट ओनली टू एक्सेप्ट द लैंग्वेजेस, नॉट ओनली टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स, रिजेक्ट द स्ट्रिंग्स, बट रादर वी कैन ऑल्सो एबल टू परफॉर्म कंप्यूटेशंस. क्योंकि हमें पता है हम ट्यूरिंग मशीन को एन्यूमरेटर की तरह, कंप्यूटेशन की तरह, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं. तो डेफिनेटली कोई भी आप एल्गोरिथम लिखो, कोई भी कंप्यूटेशन होगा उसमें, या तो हम उस चीज को इसके थ्रू सॉल्व कर पाएंगे. एंड दिस इज व्हाट अ चर्च थीसिस इज, दैट ट्यूरिंग मशीन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वन एंड इट इज केपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इफ देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम फॉर इट. अगर मेरे पास एल्गोरिथम है तो उसके लिए हम वो ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं.